मांगनी ऐसी है कि मुंबई महानगर पालिका जितने भी शमशान भूमि है वहाँ पे जो लकड़ी प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर हम लोग को लोगों का थाना से तकरार आया है कि थाना में 2.5 से 3 हज़ार रुपये चार्ज लिया जाता है। तो हमारा आज हमारे एकता के सभी यूनिट अध्यक्ष थाना विभाग के यहाँ पर मौजूद है। आज हमने ये निवेदन दे रहे मिस्टर राजीव जो कमिश्नर है थाना महानगर पालिका के कि बीएमसी मुंबई महानगर पालिका जो दे रही है उसी तरह थाना भी लोगों को मुफ्त लोगों को ये लकड़ी मुहैया करके दे रही है। यह हमारा मांग थाना के शासन भूमि में सभी सुविधा बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो वहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है, बराबर नहीं है, लोग कुछ भी काम के लिए जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए क्योंकि उनको पगार जो भी है थाना महानगर पालिका देती है मगर कोई देता नहीं है, क्लीन नहीं रखते। तो ये सब मांगनी हमने हमारे किया है और राजीव जी को अभी हम जो उसी का मांग करने वाले ये 15 दिन के ऊपर इसके ऊपर आप लोग डिसीजन दीजिए, जो भी मांगे उसको पूरा कीजिए, बिकॉज ये हमारा ही नहीं थाना का हर गरीब जिनको भी ये समस्या आती है। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है मुश्किल है ही, मगर आज मरने के लिए भी पैसा लगता है। तो हम है कि ये सब जो भी फैसिलिटी वहाँ पे है उसको ठीक किया जाए और ये फ्री ऑफ करके दिया। अपनी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो 15 दिन में अगर हमारी मांग तो हम एक प्रचंड बहुत ही बड़ा मोर्चा थाना के सभी साथ यहाँ पे पूरे थाना महानगर पालिका को घेराव कर और हमारी मांग मांग देखिए हमारा एनजीओ है एकता दी पावर ऑफ यूथ यूनिटी, ये थाना यूनिट के जितने यूनिट अध्यक्ष हैं उनको काफ़ी कई दिनों से लोगों का तकरार आ रहा था कि यहाँ पे जो मशान भूमि है वहाँ पे चार्ज किया जाता और वहाँ पे जो भी फैसिलिटी है वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। तो आज हमारा कमिश्नर साहब से यही मांगनी है जैसे मुंबई महानगर पालिका में फ्री ऑफ कॉस्ट ये लकड़ी अवेलेबल किया जाता है उसी तरह थाना में ये अन्याय नहीं होना चाहिए, थाना के भी लोगों को इसी तरह ये अवेलेबल किया जाए और वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज है पानी लगता है वहाँ पे जो भी लगता है वो टीएमसी वहाँ पे पैसा देती है पर वहाँ पे लोकल वहाँ के जो इंचार्ज है वो लोग बराबर कॉर्पोरेट नहीं करते, वही मांगनी है। इसका हमने पूरा एक लिस्ट इनको दिया है और आगे 15 दिन में ये जो भी हमने हमारा मांगनी है वो पूरा करने को उनको कहा है, रिक्वेस्ट किया है। अगर 15 दिन में ये मांगनी पूरा नहीं होती है तो एकता के सभी कार्यकर्ता
यहाँ पे ताना मार नगर पालिका पे बहुत बड़ा मोर्चा लेंगे और अपना रहे मांग कॉन्टैक्ट में स्टार्ट करो